हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप चंडीगढ़ के किस किस कॉलेजेस से कर सकते हो और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, रेटिंग क्या है, प्लेसमेंट के हिसाब से ओवरऑल रेटिंग क्या है, वो सब आपको पता चलने वाला है। इसके बाद अगर आप BBA करना चाहते हो तो आप आसानी से अपना जो है वो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। और आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, वीडियो को तभी देखिएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो, वरना स्किप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये जो कोएड कॉलेज है 11 का, यहाँ पर है 4.0 रेटिंग है इस कोर्स की BBA की और 80 सीट्स हैं, 35,000 जो है इसकी फीस है। सो फ्रेंड्स, फीस इसकी BBA और BCA प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। PGC 46, तो इसमें आपको BBA मिलेगी, 4.0 रेटिंग इसकी भी है, 40 सीट्स हैं और 35,000 फीस इसकी भी 35,000 है। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, सेक्टर 50 चंडीगढ़ में ये लोकेटेड है। BBA और कॉमर्स BCOM के लिए स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसे ही प्रेफर करते हैं और रेटिंग इसकी इस कोर्स की 4.5 है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है BBA के हिसाब से। तो BBA के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 50 बेस्ट कॉलेज माना जा रहा है। 80 जो हैं वो सीट्स हैं, 30,000 के आसपास इसकी फीस है, बट फीस हाइक होने वाला है इस बार, तो आप प्रोस्पेक्टस आएगा उसके बाद उसमें फीस देख लीजिएगा। DAV कॉलेज चंडीगढ़, सेक्टर 10 में सिचुएटेड है, 3.7 कोर्स रेटिंग है, ये कॉलेज की रेटिंग नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, BBA की रेटिंग बता रहा हूँ। 120 सीट्स अवेलेबल हैं और 40,000 के आसपास आपको इसकी फीस जो है वो पड़ने वाली है। इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, को एड कॉलेज है ये, 26 में लोकेटेड है, 3.8 जो है इसकी रेटिंग है और 30,000 के आसपास आपको इसकी फीस पड़ने वाली है। इसके बाद है GGDSD कॉलेज के नाम से पॉपुलर कॉलेज, तो 4.2 कोर्स रेटिंग है, यानी कि ये सेकंड बेस्ट कॉलेज माना जा रहा है जो कि BBA के लिए है। और इसके बाद इसकी फीस, इसमें सीट्स हैं 120 सीट्स अवेलेबल हैं और 30,000 जो है इसकी फीस है। MCM DAV कॉलेज, मेहर चंद महाजन कॉलेज, गर्ल्स के लिए ये कॉलेज है, 3.0 कोर्स रेटिंग है यानी कि अच्छी है, 40 सीट्स अवेलेबल हैं और फीस इसकी है 32,000। तो ये बेस्ट कॉलेज गर्ल्स अगर प्रेफर करती हैं, जिनके मार्क्स कम है, तो इस कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स का कॉलेज होने की वजह से कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 45, तो 3.3 कोर्स रेटिंग है और 40 सीट्स हैं और 35,000 के आसपास इसकी फीस पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं BBA के, कौन कौन से कॉलेजेस में BBA है, उनकी फीस क्या है और कोर्स रेटिंग क्या है। तो फ्रेंड्स अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है BBA के बारे में, आप अपना कॉलेज सिलेक्ट कीजिए अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ना कि किसी दूसरे के बहकावे में आकर के। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, अपने किसी एक दो फ्रेंड को भी अगर आप रिकमेंड करते हो, अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियो शेयर करते हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही अप्रिशिएशन का काम होगा और हम ऐसे ही मोटिवेटेड होकर के आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो @RJ हमारा हैंडल है, वहां पर आप हमें फॉलो